हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में हम एलन वे ओपिनियन में जेट ट्रांसफॉर्म चैप्टर 10 का 10.23 नंबर प्रॉब्लम का लास्ट के दो पार्ट ई और एफ पार्ट करने जा रहे हैं। ई और एफ पार्ट में करना तो वही है, इनवर्स जेट ट्रांसफॉर्म निकालना है यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन मेथड और बाय यूजिंग टेलर सीरीज मेथड बेस्ड ऑन लॉन्ग डिविजन। तो करना वही है, लेकिन इसमें थोड़ी सी खास बात है कि डिनोमिनेटर का भी पावर है, स्क्वायर में है, 1 - 1/2 जेड इनवर्स का स्क्वायर है और सिर्फ स्क्वायर वाला टर्म है। तो ऐसे प्रॉब्लम को करने में, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म करने में आपको बहुत सारी समस्याएं आती है, कर भी लेते हैं तो रिजल्ट सही नहीं आता है। पॉइंट बाई पॉइंट अगर मैच करवाते हैं तो उसमें रिजल्ट में गड़बड़ आती है। ऐसी समस्याएं बहुत सारे स्टूडेंट के कॉपियों में देखने को मिलती है। तो आज हम जो मेथड समझेंगे उसमें देखेंगे कि कैसे भी प्रॉब्लम हो आप उसको सिंपल और आसानी तरीके से इनवर्स जेट ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसका सोल्यूशन। आप देख रहे हैं मैथोसी गुरु चैनल और मैं हूं राजीव पटेल। करना तो वही है जो स्टेप्स हमने बताए हैं, उस स्टेप्स को फॉलो करना है, बस थोड़ी बहुत बदल होगा, चेंज होगा। पहले तो जेड के फॉर्म में लेके आना है इसको। जेड के फॉर्म में लाने का एक और शॉर्टकट तरीका बताएं, जैसे ये जेड इनवर्स -1/2 / 1 - 1/2 जेड इनवर्स है ना, तो 1/z के टर्म में लाते हैं, उससे बेटर है कि ऊपर नीचे जेड स्क्वायर, दो डिग्री दो पावर में है ना, तो जेड स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बचेगा, जेड स्क्वायर इंटू जेड इनवर्स जेड हो जाएगा, -1/2 जेड स्क्वायर। ये जेड स्क्वायर स्क्वायर के अंदर जाएगा तो जेड वन के अंदर जाएगा, अंदर हो जाएगा जेड, -1/2 जेड इनवर्स इंटू जेड वन हो जाएगा। तो देखिए ये भी काम अच्छा है कि आसानी से आपकी वैल्यूज आ जाती है, जेड -1/2 का स्क्वायर एक्स जेड आया। आपको क्या फाइंड करना है, एक्स जेड अपॉन जेड है ना, क्या फाइंड करना है आपको, एक्स जेड अपॉन जेड और उसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है। एक्स जेड अपॉन जेड की वैल्यू आ जाएगी 1 - 1/2 जेड डिवाइड बाई जेड -1/2 का स्क्वायर, ये आ गया ना एक्स जेड अपॉन जेड। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है। पार्शियल फ्रैक्शन का तरीका है कि स्क्वायर वाला टर्म है तो एक बार तो स्क्वायर वाला टर्म लिखे और दूसरे वाले में पावर वन वाला टर्म लिखेंगे। अगर पावर वन ना, अगर पावर थ्री है तो पावर थ्री वाला टर्म, पावर टू वाला टर्म और पावर वन वाला टर्म भी लिखेंगे। एक तो तरीका है कि इसको सिंप्लीफाई करके कोफिशियंट इक्वेट करके ए और बी की वैल्यू निकालें। हम तो थोड़ा शॉर्टकट वाले इंसान है, थोड़ा शॉर्टकट तरीका बताएंगे ना, गेट वाले थोड़ा ध्यान रखेंगे ना। तो a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, a के डिनोमिनेटर में z माइनस वन का स्क्वायर है तो इससे z माइनस वन का स्क्वायर हटा देंगे, 1 - 1/2 z और इसमें z की वैल्यू 1/2, पोल जो है 1/2 पे है, 1/2 पुट कर देंगे, 1 - 1/2 × 1/2 1 - 1/4 a की वैल्यू 3/4 आ गई। a तो आता है आपको करना है, b कैसे करेंगे, b में थोड़ा अलग है, देखेंगे पावर का डिफरेंस, इसका पावर वन है इसका पावर टू है, वन का डिफरेंस है ना, तो 1/(1) लिखेंगे। हालांकि यहाँ फैक्टोरियल वन लिखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वन का फैक्टोरियल का भी वन ही होता है तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, लेकिन आपको ध्यान में रखने के लिए पावर थ्री है यहाँ पावर वन है तो 1/(2) दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ एक बार करना है। इसको हटा के ए की जो वैल्यू निकाले थे ना वो किससे निकाले थे, 1 - 1/2 जेड, इसी को डिफरेंशिएट करना है, मतलब जेड माइनस वन का स्क्वायर पूरा हटाने के बाद जो वैल्यू बच रही है, रिमूव करने के बाद जो वैल्यू बच रही है उसको डिफरेंशिएट करके फिर जेड इक्वल टू 1/2 पुट करना है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वन का डिफरेंस है 0, -1/2 × z का 1, अब जेड का कोई टर्म ही नहीं बचा तो फिर वैल्यू क्या पुट करें, यही आ गया b = -1/2, मतलब एक्स जेड अपॉन जेड की वैल्यू आ गई क्या आई, ए बोले तो 3/4 डिवाइडेड बाई जेड -1/2 का स्क्वायर प्लस
माइनस वन बाई टू है तो माइनस लिखते हैं, जेड माइनस वन बाई टू, एक्स जेड अपॉन जेड की वैल्यू आएगी, फिर एक्स जेड की वैल्यू निकालेंगे, उसको जेड इनवर्स के टर्म में लाएंगे, फिर उसका इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म करेंगे, प्रोसेस वही है, ज्यादा कोई फर्क है नहीं है, स्पर्श सब्सट्रक्शन में थोड़ा नया स्टेप्स आ गए। एक्स जेड की वैल्यू निकालेंगे तो 3 बाई फोर जेड अपॉन जेड माइनस 1 बाई टू का स्क्वायर माइनस 1 बाई टू जेड, जेड माइनस 1 बाई टू, जेड इनवर्स के टर्म में लाना है तो ऊपर नीचे जेड टू दावर माइनस टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, यहां भी ऊपर नीचे जेड इनवर्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, ये भी तरीका अच्छा है ना कि जेड के टर्म में लाना है, दो डिग्री है, जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दे, जेड इनवर्स के टर्म में लाना है तो जेड टू दावर माइनस टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे। कैसा लगा ये तरीका है बताइएगा, अच्छा लगेगा तो हम इसको फॉलो करेंगे, यूज करेंगे, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा तो छोड़ देंगे भैया, जब बच्चों को अच्छे नहीं लग रहे हैं तो फिर कैसा है ना, पावर टू है ना तो जेड इनवर्स अंदर जाएगा, वन आ गया माइनस वन बाई टू जेड इनवर्स, देखिए डायरेक्ट आ गया ना, माइनस जेड इनवर्स से जेड हट गया तो वन बाई टू अपॉन जेड इनवर्स इंटू जेड वन हो गया माइनस वन बाई टू जेड इनवर्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स जेड इक्वल टू क्या है थ्री बाई टू अलग कर ले वन बाई टू जेड इनवर्स, क्यों लिख रहे हैं अभी बताता हूं मैं, वन माइनस वन बाई टू जेड इनवर्स माइनस वन बाई टू अपॉन स्क्वायर भी है भाई, स्क्वायर कौन छोड़ दिया भाई, ऐसा इसलिए लिख रखा है कि इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता है, एक तो वन माइनस ए जेड इनवर्स, वन अपॉन वन माइनस ए जेड इनवर्स का इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता है ए टू डी पावर एन इवन जब मॉड जेड ग्रेटर देन मॉड ए हो तो, और माइनस ए टू डी पावर एन यू ऑफ माइनस एन माइनस वन जब मॉड जेड लेस देन मॉड ए हो तो, स्क्वायर वाला का भी फॉर्मूला होता है, बाकी तो प्रॉपर्टी जब बताएंगे तो प्रॉपर्टी यूज करके करेंगे ही, ए जेड इनवर्स अपॉन वन माइनस ए जेड इनवर्स का स्क्वायर हो तो इसका इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म है ना, जेड इनवर्स होता है एन ए टू डी पावर एन इवन जब मॉड जेड ग्रेटर देन मॉड ए हो तो, और माइनस एन ए टू डी पावर एन यू ऑफ माइनस एन माइनस वन होता है जब मॉड जेड लेस देन मॉड ए हो तो, ठीक है, तो इसका इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ये है ना ए जेड इनवर्स डिवाइडेड बाई वन माइनस ए जेड इनवर्स का स्क्वायर, ए जेड इनवर्स डिवाइडेड बाई वन माइनस ए जेड इनवर्स का स्क्वायर एन ए टू डी पावर एन इवन, यहां से एक्स एन फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा थ्री बाई टू दिख रहा है ए टू डी पावर एन, ए बोले तो ए क्या है वन बाई टू, वन बाई टू टू डी पावर एन यू एन, और एन भी होगा ना माइनस वन बाई टू इंटू वन बाई टू टू डी पावर एन यू एन, इसको घेरा देख रखते हैं क्योंकि एफ पार्ट में सेम चीज होगा, बस आर ओ सी इसमें था मॉड जेड ग्रेटर देन वन बाई टू के लिए, उसमें मॉड जेड लेस देन वन बाई टू के लिए, तो पार्शियल फ्रैक्शन हम दोबारा थोड़े करने जाएंगे भाई, हाँ लॉन्ग डिवीजन में दोनों अलग अलग तरीके से होगा, तो लॉन्ग डिवीजन करते हैं, पहले तो ई पार्ट का लॉन्ग डिवीजन करते हैं, जो ऑर्डर है उस ऑर्डर को मेंटेन किया जाए, पहले ई पार्ट का लॉन्ग डिवीजन किया जाए फिर देखते हैं बाकी पार्ट का कैसे करेंगे। राइट साइडेड के लिए लॉन्ग डिवीजन में हम क्या करते हैं इंक्रीजिंग जेड के इंक्रीजिंग पावर में लिखते हैं, और भैया तो ये तो स्क्वायर है, स्क्वायर को थोड़ा खोल ले तब लोग तो डिवाइड कर पाएंगे, जेड इनवर्स माइनस वन बाई टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया हमारा, किससे डिवाइड करना है वन माइनस जेड इनवर्स प्लस वन बाई फोर
जेड टू दी पावर माइनस टू से डिवाइड करना है, इसको भी डिक्रीजिंग पावर में लिख दें, माइनस वन बाई टू प्लस जेड इनवर्स को डिवाइड करना आ गया है ना। अब इसको डिवाइड करिए, करिए डिवाइड, कितनी मार्क लगेगा बताइए, वन से लगाना है, माइनस वन बाई टू लाना है, तो निचो सी बात है माइनस वन बाई टू मार्क लगेगा, माइनस वन बाई टू से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया जाए। डिवीजन के लिए तो हमने बहुत बताया है आपको, बच्चों जैसा डिवाइड कर करके कितने से लगेगा, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, लाए माइनस वन बाई टू से इस पूरे को मल्टीप्लाई करना, इसको इसको और इसको तीनों को मल्टीप्लाई करना है भाई, माइनस वन बाई टू इंटू वन माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू इंटू माइनस जेड इनवर्स, माइनस माइनस प्लस वन बाई टू जेड इनवर्स, माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई फोर माइनस वन बाई एट जेड टू डी पावर माइनस टू, साइन चेंज होगा भैया, कर लो भाई साइन चेंज, जेंडर चेंज मत करना भाई, साइन चेंज कर लो, हाँ ठीक है, जेड इनवर्स माइनस वन बाई टू जेड इनवर्स, वन बाई टू जेड इनवर्स प्लस वन बाई एट जेड टू डी पावर माइनस टू। अब कितनी बार का लगेगा, ये वन है, वन वन वाला थोड़ा आसान होता है ना, वन से लाना है वन बाई टू जेड इनवर्स, जो है उससे लगा दीजिए वन बाई टू जेड इनवर्स, वन में वन बाई टू जेड इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो वन बाई टू जेड इनवर्स आएगा, वन बाई टू जेड इनवर्स को पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं, वन बाई टू जेड इनवर्स इंटू वन, वन बाई टू जेड इनवर्स, वन बाई टू जेड इनवर्स इंटू माइनस जेड इनवर्स, माइनस वन बाई टू जेड टू डी पावर माइनस टू, 1 by 2 z inverse into 1 by 4, 1 by 8 z to the power minus 3, sin change कर लो भाई, कर लिया sin change, ये तो cancel out हो जाएगा, 1 by 8 plus 1 by 2, अरे इधर कहाँ लिखते हैं shortcut, rough में कर लीजिए ना, 1 by 8 plus 1 by 2, LCM 8, 1 plus 4, 5 by 8 आ गया ना, ये 5 by 8, जेड टू दी पावर माइनस टू, माइनस वन बाई एट जेड टू दी पावर माइनस थ्री। अब कितनी मार्क लगेगा भाई, पता है वन से है तो फाइव बाई एट प्लस फाइव बाई एट जेड टू दी पावर माइनस टू मार्क लगेगा, तो ये आ जाएगा फाइव बाई एट, और करेंगे चलिए एक और कर लेते हैं, फाइव बाई एट जेड टू दी पावर माइनस टू, माइनस फाइव बाई एट जेड टू दी पावर माइनस थ्री, प्लस फाइव बाई थर्टी टू जेड टू दी पावर माइनस फोर, माइनस प्लस माइनस, अरे एक कट गया, माइनस वन बाई एट प्लस फाइव बाई एट फोर बाई एट, तो ये वन बाई टू आ गया, प्लस फाइव बाई थर्टी टू माइनस फाइव बाई थर्टी टू, तो ये आ गया प्लस वन बाई टू जेड टू दी पावर माइनस थ्री, ठीक लिखा है नहीं लिखा है विश, माइनस वन बाई एट प्लस फाइव बाई एट फोर बाई एट वन बाई टू, ठीक है, तो एक्स जेड हमारा क्या आ गया भैया, एक्स जेड आ गया, एक्स जेड इक्वल टू आ गया माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई टू जेड इनवर्स प्लस फाइव बाई एट जेड टू दी पावर माइनस, बीच में फाइव बाई एट क्यों आ गया भैया, ऐसे वन बाई टू कितना अच्छा अच्छा आ रहा था ना, यहां से xn फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई टू का माइनस वन बाई टू डेल एन प्लस वन बाई टू डेल एन माइनस वन जेड इनवर्स का, प्लस फाइव बाई एट डेल एन माइनस टू प्लस वन बाई टू जेड एन माइनस थ्री, यहां से देखेंगे तो x0 की वैल्यू माइनस वन बाई टू है, x1 की वैल्यू वन बाई टू है, रिस्क ना लेने का भैया, चेक जरूर कर लिया गया, एस टू की वैल्यू फाइव बाई एट है, ऐसे है ना, इसमें भी सेम वैल्यू है क्या, ये भी तो सेम एक्स एन आया था ना, तो चेक कर सकते हैं सेम वैल्यू आई है क्या, यहाँ से अगर एक्स जीरो फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, एन इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो वैल्यू तो जीरो ही हो जाएगी ना जी, इतना पास देख के डर लग रहा है, एन इक्वल टू जीरो, ठीक है, इसमें वन बाई टू टू पावर जीरो बना गया तो ये माइनस वन बाई टू, ओके इट्स ओके,
एक्स वन निकालेंगे तो दोनों में पुट होगा आपकी, है ना, इसमें भी वन पुट होगा, तो थ्री बाई टू इंटू वन बाई टू माइनस, इसमें वन पुट होंगे तो वन बाई फोर, फोर एलसीएम ले लें तो थ्री माइनस वन टू बाई फोर वन बाई टू आ गया। ओके इट्स ओके, टू बोला तो जरूर चेक करेंगे फाइव बाई एट क्यों आया है भैया। एक्स टू, एक्स टू टू पुट करेंगे तो क्या होगा, थ्री बाई टू इंटू टू इंटू वन बाई फोर माइनस वन बाई टू इंटू वन बाई टू का स्क्वायर वन बाई फोर, एट एलसीएम हो गया, थ्री टू जा सिक्स माइनस वन फाइव बाई एट आ गया। ओके इट्स ओके, इसका मतलब लॉन्ग डिविजन मेथड से वैल्यू सारी सही आई है और पार्शियल फ्रैक्शन वाले से भी सही आई है, दोनों चेक हुआ एक दूसरे का ना, दोनों आपस में एक दूसरे को चेक कर लिया कि दोनों ठीक है यार। तो ई पार्ट हमने किया है भाई, एफ पार्ट करना बाकी है। एफ पार्ट में पार्शियल फ्रैक्शन करने की तो जरूरत नहीं है, पार्शियल फ्रैक्शन ऑलरेडी कर चुके हैं, बस उसमें लेफ्ट साइडेड वाला फॉर्मूला हमें लगा लेना है। अरे यार डिवाइड हमने किस किस से किया था, वो भी तो काम आता, एफ पार्ट है ना, एक्सेट तो हमारा वही था, एक्सेट इक्वल टू क्या था, पार्शियल फ्रैक्शन करके आया था ना भाई, थ्री बाई टू इंटू वन बाई टू जेड इनवर्स डिवाइड बाई वन माइनस वन बाई टू जेड इनवर्स होल स्क्वायर माइनस वन बाई टू अपॉन वन माइनस वन बाई टू जेड इनवर्स, आर ओ सी बस हो जाएगा मॉड जेड लेस देन वन बाई टू, इसका एक्शन क्या होगा लिखिए, लेफ्ट साइडेड लगाएंगे तो लिखिए जल्दी, मैं अगर लेफ्ट साइडेड लगाएंगे तो एक्शन क्या होगा लिखिए, अब इसको मिटा ही देते हैं, क्या होगा एक्शन, लेफ्ट साइड लगाएंगे ना जी, इसमें ए लेफ्ट साइड वाला माइनस एन ए टू डी पावर एन यू ऑफ माइनस एन माइनस वन माइनस थ्री बाई टू एन वन बाई टू टू डी पावर एन यू ऑफ माइनस एन माइनस वन, इसमें भी माइनस लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा वन बाई टू इंटू वन बाई टू टू डी पावर एन यू ऑफ माइनस एन माइनस वन, ए आंसर हो जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन वाला तो काम आसान कर दिया आपका, लॉन्ग डिवीजन करना पड़ेगा, इसमें शॉर्टकट नहीं चलेगा, उल्टा करके करना पड़ेगा, हमने तो मिटा दिया भाई, क्या था भाई, वन माइनस जेड इनवर्स प्लस वन बाई फोर जेड टू डी पावर माइनस टू, तो वन बाई फोर जेड टू डी पावर माइनस टू को पहले लिखते हैं, माइनस जेड इनवर्स प्लस वन इंक्रीजिंग पावर में लिखना पड़ेगा ना, ये तो इंक्रीजिंग पावर में है ही है, जेड इनवर्स माइनस वन बाई टू, ठीक है। कितनी मार्क लगी अभी, इससे ये लाना है ना, तो जेड टू पावर माइनस टू से जेड इनवर्स लाना है, तो जेड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वन बाई फोर भी लाना है भाई, तो वन बाई फोर जेड से लगाना पड़ेगा, वन बाई फोर अरे 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 वन बाई टू क्यों लिखा गया भाई, वन बाई फोर जेड, बोर्ड भी चेंज करना पड़ेगा, बोर्ड में बहुत समस्या आ गई भाई, मिटता ही नहीं, वन बाई फोर जेड है ना, वन बाई फोर जेड नहीं फोर जेड सॉरी, वन बाई फोर जेड से जेड इनवर्स कैसे आएगा, इसको सिक्सटीन आ जाएगा ना, फोर जेड इंटू वन बाई फोर जेड इनवर्स जेड टू दी पावर माइनस टू, फोर फोर कैंसिल आउट हो जाएगा, जेड टू दी पावर माइनस वन आएगा, फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस फोर, जेड इनवर्स से जेड हट जाएगा, फोर जेड इंटू वन प्लस फोर जेड, साइन चेंज करिए माइनस प्लस माइनस, फोर माइनस वन बाई टू, फोर माइनस वन बाई टू कितना होगा, एट माइनस वन सेवन बाई टू हो गया, सेवन बाई टू माइनस फोर जेड, कितनी मार्क लगेगा, ज्यादा दिक्कत करिए ना भाई, सेवन बाई टू को डिवाइड कर दिया कीजिए वन बाई फोर, वन बाई फोर जेड टू दी पावर माइनस टू से जो आना होगा आ जाएगा, सेवन बाई टू इंटू फोर अपॉन जेड टू दी पावर माइनस टू,
14z^2, 14z² आ गया ना, 14z² से मल्टीप्लाई करना लगाना पड़ेगा, 14z², 14z² इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/2 आएगा, 14z² इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -14z आएगा, 14z² से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 14z² आएगा, साइन चेंज माइनस प्लस माइनस, 14z -4z 10z हो गया। अब कितनी वर्क लगेगा, डिवाइड कर दीजिए, टेंशन नहीं लेने का, 10z डिवाइडेड बाय 1/4 z^2 -2, ये तो जेड क्यू हो जाएगा ना, और 10^4 = 40z^3, 40z^3 वर्क लगेगा भैया, लगा दिया। अब आगे क्या लिखना, जो आएगा आएगा, एक्स जेड तो हमारा इतना आ गया ना, एक्स जेड हमारा इतना आ गया, इधर लिखो, इधर जगह है थोड़ी, एक्स जेड से एक्स एन वी ले आएंगे हम, एक्स जेड क्या आ गया हमारा 4z प्लस 14z² 4z प्लस 14z² प्लस 40z³। मजा आता है ऐसे प्रॉब्लम बनाने में ना, हल्के में लेते हैं जेड ट्रांसफॉर्म, पूरे प्रोसेस से बनाना है, ऐसा नहीं कि जैसे भी बना दीजिएगा रिजल्ट सही नहीं आएगा, जो मर्जी वो तरीका अप्लाई कर लीजिएगा। डेल एन प्लस 2 प्लस 40 डेल एन प्लस 3 ये आ गया ना, x 0 पे तो 0 ही है, यहां से अगर मिलाएं तो x माइनस 1 पे वैल्यू 4 है ना, x माइनस 2 पे वैल्यू 14 है, x माइनस 3 पे वैल्यू 40 है, देखिए मैच कर रहे हैं क्या, इसमें से मिलाएंगे ना x माइनस 1, इसमें माइनस 1 पुट करेंगे तो कितना होगा, माइनस 3/2 इंटू माइनस 1 इंटू 1/2 टू द पावर माइनस 1 2 हो जाएगा, और प्लस 1/2 टू द पावर माइनस 1 2 हो जाएगा, ये हो गया 3 प्लस 1 4 आ गया, ओके इट्स ओके। x माइनस 2 पे चेक कर लेते हैं, माइनस 2 पे बस चेक करेंगे, माइनस 3 इतना भी नहीं है, अब तो समझ गए हैं कैसे चेक करना होता है, माइनस 3/2 इंटू माइनस 2 1/2 टू द पावर माइनस 2 2 का पावर स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1/2 इंटू 4 4 3 की 12 12 प्लस 2 14 ओके इट्स ओके। ऐसे ये भी कर देंगे, 8 है ना, 3 पुट करेंगे तो कितना होगा, माइनस 1 3/2 इंटू माइनस 3 इंटू 8 1/2 इंटू 8 2 4 जा 9 4 जा 36 प्लस 4 40 आ गया, 40 भी ओके। तो चेक कर सकते हैं कि आपने रिजल्ट जो लाया है वो सही लाया है या गलत लाया है, 10.23 हो गया, 10.24 वगैरह में भी इनवर्स वगैरह ही निकालना है, फिर उसके बाद सारी प्रॉपर्टी की डेरिवेशन करेंगे, प्रॉपर्टी की डेरिवेशन का वेट कर रहे हैं बहुत सारे लोग, दिल थाम के रहिए, आने जा रहा है प्रॉपर्टी का डेरिवेशन भी, सब कुछ आएगा, जो भी आएगा ठोक बजा के बजाते से सही तरीके से आएगा, ऐसा नहीं कि कोई भी तरीका अप्लाई कर लें जो कि कहीं भी गलत रिजल्ट दे दे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अभी गेट की अलग से सीरीज लाने जा रहे हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, बहुत कुछ आने वाला है, धन्यवाद।